ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बाद में भी आने वाला है, रेडिएशन के वहां पे लास्ट में है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कन्वेक्शन एंड रेडिएशन दोनों मिलके वो बताता है, प्रैक्टिकल है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है? प्रैक्टिकल है, जो रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होता है उसके लिए लॉ है। तो थोड़ा रेडिएशन भी वो कंसिडर करता है और थोड़ा कन्वेक्शन भी कंसिडर करता है, ठीक है? तो ये लॉ बाद में देखने का ही है। तो कन्वेक्शन का ये सेंटेंस थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, कन्वेक्शन होता क्या है, और जब ग्रेविटी नहीं होगा तो कन्वेक्शन नहीं होगा। तो नेचुरल कन्वेक्शन क्या है? देखो, नेचुरल कन्वेक्शन, तो अगर इधर है पॉट है, ऐसा अगर यहाँ पे ये पॉट है और पॉट का अपना हीटिंग चल रहा है, ये पॉट का हीटिंग चल रहा है, इसके अंदर वाटर है जो भी है एंड हीटिंग चल रहा है, तो क्या होगा? इधर का मॉलिक्यूल्स क्या होगा? दिस मॉलिक्यूल्स आर वेरी नियर टू द फायर, सो टेम्परेचर ऑफ दिस पार्ट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, एंड व्हेन टेम्परेचर ऑफ दिस पार्ट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस, सो दिस लिक्विड बिकम्स लाइटर कंपेयर टू दिस लिक्विड। ओवरऑल लिक्विड से कंपेयर किया तो दिस लिक्विड बिकम्स लाइटर, हल्का हल्का बन गया क्योंकि गर्म हो गया है। देयरफॉर अभी इधर से लिक्विड ऊपर जाएगा, यहां से लिक्विड है ऊपर जाएगा, इधर से लिक्विड ऊपर जाएगा, तो ऊपर से ठंडा वाला लिक्विड किधर आएगा? तो पूल जो ठंडा है, दैट लिक्विड कम्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड लिक्विड व्हिच बिकम्स हॉट दैट गोज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो एक्चुअली मॉलिक्यूल्स का फ्लो चालू होता है, एक्चुअली मॉलिक्यूल्स का फ्लो चालू होता है, तो इसको कन्वेक्शन बोलते हैं नेचुरली। ये ग्रेविटी की वजह से होता है। क्यों ग्रेविटी? ये हल्का है इसलिए ऊपर जाएगा, तो इसको ग्रेविटी है तो नीचे खींचेगा, ठीक है? तो ये ग्रेविटी है इसलिए होता है, अगर ग्रेविटी नहीं है तो ये कुछ नहीं होगा, ग्रेविटी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसको नीचे खींचने वाला कौन है? ये नीचे, इसको ग्रेविटी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, तो ये इसको लग रहा है कि अब मैं ऊपर जाता हूं, अब ये हल्का है इसको हल्का लग रहा है तो ये ऊपर जाएगा, नहीं तो ये ऊपर क्यों जाएगा? बॉयंट फोर्स वगैरह कुछ नहीं उस पे, बॉयंट फोर्स वगैरह नहीं है, डेंसिटी कम है इसलिए चला गया वो। डेंसिटी कम है तो एम जी एच, इस पे एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, इस पे ज्यादा है, इस पे ज्यादा तो नीचे आएगा, इस पे कम है तो इसलिए ऊपर गया, तो ग्रेविटी की वजह से ही हो रहा है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल कन्वेक्शन, गैस में होता है एंड लिक्विड में भी होता है, तो फ्लूइड्स में होता है। कंडक्शन किस में होता है? कंडक्शन ऑल में होता है, पता नहीं तो लिखो, कंडक्शन ऑल फेजेस में होता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस सब में होता है कंडक्शन। कन्वेक्शन किस में होता है? कन्वेक्शन किस में होता है? फ्लूइड्स में। कन्वेक्शन किसमें होता है? फ्लूइड्स, लिख के लो ये सॉलिड एंड फ्लूइड्स, फ्लूइड मतलब लिक्विड गैस दोनों हो गया, सॉलिड एंड फ्लूइड में दोनों में होता है। एंड रेडिएशन, रेडिएशन के लिए मीडियम ही नहीं लगता, रेडिएशन के लिए मीडियम ही नहीं लगता, तो तीनों लिख के ले लो, ये तीनों लिख के ले लो। तो कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में क्या होता है? तो कंडक्शन में ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैपन, कंडक्शन में ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैपन, कंडक्शन में ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैपन, बट हियर इन कन्वेक्शन ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैपन, ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे, नीचे का मॉलिक्यूल ऊपर, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैपन, ठीक है? ओके, फोर्स्ड कन्वेक्शन भी रहता है। फोर्स्ड कन्वेक्शन मतलब क्या है? इधर अंदर एक स्टरर डाला और इसको घुमा दिया, मोटर लगाया और इसको घुमा दिया, इधर एक अंदर स्टरर डाला और मोटर चालू किया, तो ये अभी घूमना चालू हो जाएगा, तो अंदर का लिक्विड बिकॉज ऑफ दिस स्टरर घूम रहा है, तो दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड कन्वेक्शन, जो पहले बताया था दैट इज नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है? ओके चलो फिर नेक्स्ट क्या है देखते हैं। तो रेडिएशन,
रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है वो होता है बिकॉज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन. रेडिएशन के थ्रू जो भी हीट ट्रांसफर होता है वो बिकॉज ऑफ होता है इंफ्रारेड रेडिएशन. अब रेडिएशन बहुत अल्ट्रावायलेट रहता है, इंफ्रारेड रहता है, देन एक्सरे रहता है, गामा रेज रहता है, बहुत सारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, बहुत सारा टाइप्स है. उसमें से हीट हीट कैरी करने वाला कौन सा रेडिएशन है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन है. हीट कैरी करने वाला रेडिएशन कौन सा है, तो इंफ्रारेड है. उसका लैम्बडा का रेंज क्या है वो दिया ही नहीं. लैम्बडा का रेंज क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे दिया है, 7.8 इंटू 10^-7 मीटर टू 4 × 10^-4 मीटर. ये इंफ्रारेड का ही रेंज है. तो इतना लैम्बडा का रेंज वाला जो भी रेडिएशन है, दैट रेडिएशन कैरीज हीट. उसका स्पीड कितना है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट. ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है. एंड कलर ऑफ हीटेड ऑब्जेक्ट क्या लिखा है मैंने, क्यों लिखा है पता नहीं है, चलो उसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं. तो ठीक है, पॉइंट्स लिख लिया. चलो तो ये पार्ट अभी खत्म, कंडक्शन क्लियर. क्या क्या खत्म हो गया देखो, कंडक्शन क्लियर, कन्वेक्शन क्लियर. कन्वेक्शन पे बस इधर 11 न्यूमेरिकल्स है, कन्वेक्शन पे 11 न्यूमेरिकल्स है. तो कन्वेक्शन पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते नहीं है एग्जाम में. अब नेक्स्ट चालू करेंगे रेडिएशन का पार्ट. नेक्स्ट चालू करेंगे क्या, रेडिएशन का पार्ट. थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा बोर हो सकता है. अब मेरा कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि है थ्योरेटिकल पार्ट, तो थोड़ा सा मामूली बोर हो सकता है, ठीक है. चलो एक बार वीडियो चालू करो, सब लोग बैठे हैं क्या देखेंगे, फिर चालू करेंगे नेक्स्ट पार्ट. चलो वीडियो सबका चालू होना चाहिए अभी फटाफट. चलो वीडियो एक एक बार चालू करो. कितना टाइम लगता है इसका मतलब ये तुम लोग बैठे नहीं हो, ठीक है. चलो बाकी लो, चलो ठीक है. श्वेता थोड़ा थोड़ा टाइम रखते जाओ, 30 सेकेंड्स तो ऑन रखते जाओ, दिखने के पहले बंद करते हो, ठीक है. ठीक है कृष्णा, क्या क्या लगा रहा है कृष्णा के पीछे, क्या क्या लगता है. चलो और गौरी किधर है, कब करेगी, चलो 1 घंटे बाद सबका चालू होना चाहिए. मनीषा, प्राची शायद चालू नहीं हुआ. साइली किधर है, ठीक है. थोड़ा थोड़ा टाइम ऑन रखने का, थोड़ा टाइम ऑन रखने का, इमिडिएटली बंद नहीं करने का, ठीक है. ओके ठीक है, चलो बंद करो. इमीडिएट चालू करने का गौरी, इमीडिएट चालू करने का, बोलने के बाद फटाक से वीडियो चालू करने का. मैंने जब बोला तब उसमें फटाक से वीडियो चालू करने का, टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है. ठीक है कृष्ण, ठीक है. चलो तो रेडिएशन का पार्ट अभी स्टार्ट करते हैं. तो रेडिएशन किधर है, सबसे लास्ट वाला सबसे फर्स्ट हो सकता है, ठीक है. चलो केटीजी है चैप्टर 12th में, उसका नाम केटीजी है लेकिन एररलेस में एंड एनसीईआरटी में ट्रांसमिशन ऑफ हीट में ही दिया है. तो अब रेडिएशन का देखेंगे. तो केटीजी के नीचे कुछ तो दिख रहा है दिसली, वो मैंने एक्चुअली जोक लिखा है वहां पर. इधर आधा जो गया है पेज, उधर फोल्ड किया है तो आधा गया है.
कभी कभी क्लास में क्या होता है, अच्छा जोक ऐसा याद आता है तो उसको लिखना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है एक आध साल बाद वो मैं भूल जाता हूँ, तो इसलिए लिखा है। क्या है कभी और बताऊंगा, अभी है वो टाइम नहीं है। ठीक है, चलो। तो एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशन क्या क्या है देखेंगे। तो समझो एक मटेरियल है उसपे क्यू अमाउंट ऑफ हीट आ रहा है, एक मटेरियल है उसपे रेडिएशन आ गया है ना, एक मटेरियल है ऐसा उसपे ऊपर से ऐसा रेडिएशन आ गया और उसपे कितना रेडिएशन आया, टोटल क्यू अमाउंट ऑफ रेडिएशन आ गया, तो उसमें से क्यू ए रेडिएशन क्या हो गया, उस ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब किया, क्यू ए रेडिएशन उस ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब किया, क्यू आर रेडिएशन क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, क्यू आर रेडिएशन क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। चलो इधर देखो जरा, थोड़ा समझता है क्या, इधर देखो एकदम डायग्राम बताने वाला हूं तो थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो अंडरस्टैंड करो, डायग्राम ही बताने वाला हूं बस मैं। देखो ये ऑब्जेक्ट है अपने पास, तो इसमें इस पे हीट आ गया क्यू है, इसमें से क्या होता है क्यू आ गया, इसमें से ये क्यू ए एब्जॉर्ब करता है, खुद एब्जॉर्ब करता है, गर्म होता है, थोड़ा बहुत रेडिएशन इसमें से पास होके बाहर निकलता है, ये ट्रांसमिटेड है क्यू टी, इतना हीट आता है, थोड़ा एब्जॉर्ब करता है, थोड़ा इसमें से पास होके निकलता है और थोड़ा क्या होता है रिफ्लेक्ट होता है, थोड़ा क्या होता है रिफ्लेक्ट होता है, तो ये ऐसा सब है, थोड़ा एनर्जी क्या होता है रिफ्लेक्ट होता है। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को क्या डिफाइन किया है, एब्जॉर्ब्ड हीट अपॉन इंसिडेंट हीट, इसको बोलते हैं ए को एब्जॉर्प्टिविटी या फिर एब्जॉर्प्शन। स्क्रीनशॉट के लिए टाइम देता हूं, अभी बस ध्यान से पढ़ो, स्क्रीनशॉट के लिए मैं टाइम देता हूं, अभी बस एकदम फुल कंसेंट्रेशन से पढ़ो उसको। तो ए को बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी या फिर एब्जॉर्प्शन। देन कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आता है, रिफ्लेक्टेड हीट अपॉन इंसिडेंट, इंसिडेंट में से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, तो इसको रिफ्लेक्टिविटी बोलते हैं या फिर रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं। जो हीट इंसिडेंट हुआ है उसमें से कुछ हीट ट्रांसमिट होता है, तो ट्रांसमिटेड हीट अपॉन इंसिडेंट हीट, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटिविटी या फिर ट्रांसमिटेंस भी बोलते हैं। और तीनों का एडिशन कितना आता है, वन आता है, तीनों का एडिशन कितना आता है, वन आता है, क्यों, क्योंकि थोड़ा फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हुआ वो ए में आता है, जो फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ वो आर में आता है, और जो फ्रैक्शन ट्रांसमिट हुआ वो टी में आता है, तो सबका एडिशन कितना आना चाहिए, वन, तो सबका एडिशन कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। ठीक है, चलो अब स्क्रीनशॉट मारो इसका, थोड़ा छोटा करोगे इसको, चलो स्क्रीनशॉट मारो अभी। चलो हो गया, फिर इधर का स्क्रीनशॉट मारो। चलो हो गया, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एकदम सिंपल सिंपल थ्योरी है, ज्यादा कुछ इस पे न्यूमेरिकल्स आते नहीं है। देन अथर्मनस सब्सटेंसेस, अथर्मनस सब्सटेंसेस मतलब उनका टी जीरो रहता है, अथर्मनस सब्सटेंसेस क्या रहता है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका और देखते रहो। अथर्मनस सब्सटेंसेस मतलब क्या रहता है, उसका टी जीरो रहता है, मतलब उसमें से कुछ एनर्जी ट्रांसमिट होता ही नहीं, उस पे अगर कुछ रेडिएशन आता है, रेडिएशन के लिए है बस ये, ओनली फॉर रेडिएशन, तो उसपे कुछ रेडिएशन आके गिरता है तो उसमें से आगे जाता नहीं, ट्रांसमिट होता नहीं,
उसमें अंदर घुस के उसके बाहर नहीं निकलता, लेकिन ग्लास को क्या होता है, ग्लास के बाहर निकलता है ना, एक ग्लास है समझो, कांच का टुकड़ा है, ग्लास है, तो उसपे अगर रेडिएशन गिरता है तो उसमें से बहुत सारा पास होके दूसरी तरफ निकल जाता है, तो ग्लास अथर्मनस नहीं है, वुड अथर्मनस है। वुड के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट होता है, वुड के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट होता है तो उसमें से पास होके नहीं जाता, हाँ थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो सकता है, थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन वुड से पास होके आगे नहीं जा सकता, तो वुड को बोलते हैं अथर्मनस। और ग्लास को क्या बोलते हैं, इधर आया होगा देखो ग्लास किधर है क्या, हाँ ग्लास, ग्लास को बोलते हैं डाई अथर्मनस। ग्लास क्या करता है, जितना उस पर हीट आता है मैक्सिमम हीट उसमें से पास होके जाता है, जितना उस पर हीट गिरता है मैक्सिमम उसमें से हीट पास होके चला जाता है, तो ग्लास है डाई अथर्मनस। उसका टी क्या रहता है, गुड रहता है, गुड ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिट करता है, उसके आर पार जाता है रेडिएशन, उसके आर पार जाता है। वुड वाटर आयरन लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक मतलब, लैंप ब्लैक मतलब क्या रहता है, कैंडल के वजह से या फिर क्या बोलेंगे उसको, दिया, दिया, बिकॉज ऑफ दिया जो काला काला निकलता है उसको बोलते हैं लैंप ब्लैक, लैंप से जो ब्लैक निकलता है, ब्लैक स्मोक, लैंप से जो ब्लैक निकलता है उसको लैंप ब्लैक, काजल भी बोल सकते हैं उसको, काजल जो यूज करते हैं अभी, मॉडर्न काजल अलग रहेगा, लेकिन जो पुराना काजल घर पे बनाते थे वो क्या कैसा था, लेकिन जो पुराना काजल घर पे बनाते थे वो ऐसा ही था, लैंप ब्लैक से ही बनाते थे। अभी तुम्हारा दादी ने वगैरह बनाया होगा, मेरी नानी बनाते हुए मैंने एक बार देखा था, मैं भी बहुत छोटा था, वो काजल बना रही थी मेरे एक भाई बहन के लिए बना रही होगी, बहुत छोटा था तब मैंने देखा था, वो घर पे बना रही थी। तो अब तुम लोगों ने देखा है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन ये लैंप ब्लैक क्या करने का, दिया जलाने का, उसका जो फ्लेम रहता है उसके ऊपर कुछ तो प्लेट रखने का, नीचे दिया जलाने का और जो फ्लेम है उसके ऊपर प्लेट रखने का, तो प्लेट के ऊपर एक ब्लैकनेस आता है उसको ही बोलेंगे लैंप ब्लैक, ठीक है। देन कॉपर, देन क्या है, कॉपर। अब कॉपर खुद गर्म होता है लेकिन उसके आर पार हीट ट्रांसफर नहीं होता, इसके आर पार ट्रांसमिशन नहीं होता, तो डायथर्मनस मतलब गुड टी, किसका ट्रांसमिशन गुड है, NaCl, ग्लास, क्वार्ट्ज, H2N2O2, रॉक सॉल्ट एंड एयर, इनका क्या है, ट्रांसमिशन गुड है, जितना हीट उस पर गिरता है, जितना रेडिएशन उस पर आता है उसमें से ऑलमोस्ट सारा का सारा ही पास होता है, वो खुद बहुत कम एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट भी बहुत कम करता है, उसमें से पास ही होता है सब कुछ। देन परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कुछ भी, ट्रांसमिट नहीं करेगा कुछ कुछ भी, तो उसको बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है क्या, इधर कुछ रियल लाइफ में देर इज नो परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक कितना है, 98% है, मतलब उस पर जितना एनर्जी गिरता है लैंप ब्लैक पे, जितना रेडिएशन आता है उसमें से 98% एब्जॉर्ब करता है, उसमें से 98% एब्जॉर्ब करता है, बाकी का 2% रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ओके चलो हो गया इतना, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो लो फटाफट, एकदम थेरी थेरी है, सिंपल सिंपल। नेक्स्ट फेरीज ब्लैक बॉडी, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट मारो पहले। नेक्स्ट क्या है, फेरीज ब्लैक बॉडी, हो गया स्क्रीनशॉट, हाँ सूट बोलते हैं उसको। अभी ऐसा चल रहा है ना, ऐसा समझ रहा है ना सर, ये स्क्रीन शेयर करके अभी फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ में कर रहा हूं ऐसा, तो सब दिख रहा है, सब समझ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें, एक बार कमेंट करके बताओ। बाकी क्लासेस को मैंने लिया है ऐसा, लेकिन तुम लोगों को लिया नहीं, तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं ना इसमें, चलो समझ रहा है क्या सब, समझ रहा है क्या बोलो, स्क्रीन शेयरिंग से सब समझ रहा है क्या, यस या फिर नो, समझ रहे क्या बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग,
ठीक है चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो मुझे, क्योंकि कमेंट दिखता नहीं जब मैं चालू करता हूँ तो कमेंट दिखता नहीं। नहीं वो थ्योरेटिकल है, बोर्ड पे ही लूंगा मैं, बोर्ड पे लूंगा, थ्योरेटिकल है इसलिए ये इतना इनिशियल इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। बोर्ड पे लिखना पड़ता है ना, फिर टाइम लगता है, बोर्ड पे सब कुछ मुझे लिखना पड़ता है, फिर टाइम लगता है। नहीं बोर्ड पे ही लेने वाला हूँ, बस थ्योरेटिकल पार्ट है इसलिए, इतना तो चलेगा क्या, क्या वो भी बोर्ड पे लो, कैसा करूँ बोलो। नहीं बोर्ड पे लूंगा रे बच्चे, लेकिन अभी थ्योरेटिकल है, बहुत सारा थ्योरी है उसमें, अब उसमें लिखने में वो लिखने में ज्यादा टाइम लग रहा है, चलता है बोर्ड पे लेने का है, बस वो थ्योरी वाला पार्ट। अरे चलता है कि नहीं, बाकी लोग बोलो वैष्णवी और किसको प्रॉब्लम है, कृष्ण को बोर्ड पे लेने का सब, लेकिन बहुत ज्यादा थ्योरी है इसलिए अभी लिखने का टाइम जा रहा है तो फटाफट होता है इसलिए चल रहा है। ठीक है ना, टाइम के लिए बस, अभी अभी एकदम सिंपल है इसलिए, जब अच्छा आएगा तब मैं करूंगा, नहीं तो चलो। तो नेक्स्ट क्या है, फेरिस ब्लैक बॉडी, न्यूमेरिकल्स वगैरह अच्छा थ्योरी इधर ही लेंगे, ये एकदम ज्यादा थ्योरी है इसलिए इधर ले रहा हूं। देखो देन क्या है, फेरिस ब्लैक बॉडी, फेरिस ब्लैक बॉडी में क्या रहता है, ये डिजाइन किया है, फेरिस ब्लैक बॉडी क्या है, डिजाइन किया है नेचुरली, ऐसा बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता नेचुरली, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता, और फेरिस ब्लैक बॉडी नियर परफेक्ट ब्लैक बॉडी रहता है, फेरिस ब्लैक बॉडी नियर परफेक्ट ब्लैक बॉडी रहता है, क्या रहता है वो, स्पीयर रहता है, और स्पीयर के बीच में एक होल रहता है, वो होल ब्लैक बॉडी है, एंटायर स्पीयर इज नॉट ब्लैक बॉडी, ये जो पूरा का पूरा स्पीयर दिख रहा है दिस इज नॉट ब्लैक बॉडी, उस स्पीयर में एक यहाँ पे होल रहता है, दिस इज ब्लैक बॉडी, ये एंटायर स्पीयर है, ये ब्लैक बॉडी नहीं है, ये बस अंदर का जो इधर जो होल है स्पीयर में, दिस इज ब्लैक बॉडी। तो क्या है, डबल वॉल्ड स्पीयर है, डबल वॉल्ड स्पीयर है, मेटालिक, अंदर एक वॉल है स्पीयर, अंदर एक स्पीयर है, उसके बाहर एक स्पीयर है, और इधर एक होल किया, तो जो बाहर का जो स्पीयर है और अंदर का स्पीयर है उनके बीच में जो भी है एरिया, ये वाला एरिया पूरा इधर तक, ये पूरा इधर तक, यहां तक दोनों स्पीयर के बीच का एरिया इज इवैक्यूएटेड, दोनों स्पीयर्स के बीच का एरिया क्या किया है, इवैक्यूएट किया है, वैक्यूम है वहां पे, क्यों वो वैक्यूम है वहां पे, क्यों वैक्यूम है इधर, इधर क्यों वैक्यूम है, अंदर का एनर्जी बाहर नहीं आना चाहिए, अंदर का एनर्जी बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम क्या है, वैक्यूम क्या करता है, हीट कंडक्शन को और कन्वेक्शन को रोकता है, वैक्यूम क्या करता है, हीट कंडक्शन एंड कन्वेक्शन को रोकता है, इंसुलेटर जैसा काम करता है, इसलिए उधर वैक्यूम है, तो इधर है वैक्यूम है, तो अंदर का हीट बाहर नहीं जा सके, इसलिए बाहर से निकेल पॉलिश किया है, बाहर से निकेल का पॉलिश है, मतलब क्या, अगर बाहर से कोई रेडिएशन आता है तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये बाहर का सरफेस क्या है, निकेल पॉलिश्ड है, तो अगर बाहर से कोई रेडिएशन आता है तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो बाहर का हीट लेना नहीं चाहिए, जो हीट इसको मिलना चाहिए स्पीयर को इधर से मिलना चाहिए, जो ये एब्जॉर्ब करना है इधर से अंदर जाने वाला है एब्जॉर्ब करना चाहिए, तो बाहर से इसको हीट ना मिले इसलिए ये निकेल पॉलिश्ड है, अगर कोई रेडिएशन आता है तो रिफ्लेक्ट हो जाए। इधर एक कोनिकल प्रोजेक्शन रहता है, ये यहाँ पे कोनिकल प्रोजेक्शन रहता है, ये जो होल है जो एक्चुअली ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी है, जो होल है होल के ऑपोजिट एक कोनिकल प्रोजेक्शन है, दिस एपर्चर इज ब्लैक बॉडी, और अंदर का जो स्पीयर है वो काला काला करके रखा है, अंदर का स्पीयर, ये प्रोजेक्शन सब अंदर का पूरा ब्लैक 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 किया है, लैंप ब्लैक से पूरा काला करके रखा है, तो यहां से रेडिएशन आएगा, यहां पे गिरेगा तो 98% एब्जॉर्ब होगा, यहां से रेडिएशन आएगा, यहां पे गिरेगा तो 98% एब्जॉर्ब होगा, फिर बचा हुआ 2% इधर जाएगा, इधर वापस से 2% में से और 98% एब्जॉर्ब होगा, फिर वापस रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा, अब इधर 98 हुआ उसमें से 2 बचा, 2 में से भी 98% एब्जॉर्ब हो गया, एकदम थोड़ा सा रहेगा वो इधर ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो गया था, कुछ बचा तो वो इधर एब्जॉर्ब हो जाएगा,
अब तीन चार रिफ्लेक्शन में पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होता है बाहर, कुछ एनर्जी जाता ही नहीं, बचता ही नहीं, तो जितना भी अंदर आता है वो पूरा एब्जॉर्ब होता है। तो जितना भी अंदर आ रहा है वो पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है, देयरफॉर दिस इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ऑलमोस्ट परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस हो गया इतना ही, आज के लिए इतना ही बस हो गया, आज के लिए इतना ही बस हो गया। ठीक है, इसके बाद का जो पार्ट है मंडे चालू करेंगे, इसके बाद का जो पार्ट है मंडे चालू करेंगे। कुछ अंडरस्टैंड नहीं हुआ इसमें तो बोलो, कुछ अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो बोलो मुझे।